दमन फिल्म पर आया बॉलीवुड एक्टर तापसी पन्नू का रिएक्शन। तो इसी वीडियो में हम बात करने वाले तापसी पन्नू के बारे में और दमन का एक अपडेट आया उसके बारे में। अब इन दोनों के बारे में बात करें उससे पहले हम बात करते हैं दमन के प्रमोशन के बारे में। अब दमन दोस्तों आप लोगों को बताया होगा अभिग्रह में कितनी ज्यादा चल रही है। बहुत सारे लोग मुझे लगता है अभिग्रह में इस फिल्म को जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दमन को हर कोई नहीं जानता। अभिग्रह में दमन के मेकर्स को उसका प्रमोशन करने की जरूरत है। अब कल रात की बात है जब एक बंदे ने अंतर्यामी गेमिंग को लाइव चैट में दमन के बारे में पूछा। अब अगर अंतर्यामी गेमिंग के चैनल को आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं अंतर्यामी गेमिंग नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर 40 लाख सब्सक्राइबर और उसके ओनर है ये ऋषभ वर्मा। तो रात को जब ये लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब एक बंदे ने 100 रुपए का सुपर सेट करके इनको दमन फिल्म के बारे में पूछा, तो उन्होंने वीडियो में क्या बोला आप लोग खुद ही सुन लीजिए। भाई दमन उड़िया मूवी के बारे में आपका क्या कहना है भाई? मेरे को पता ही नहीं है इस बारे में कुछ। तो आप लोगों ने सुना कि भाई अंतर्यामी गेमिंग चैनल वाले ने क्या बोला, उनको पता ही नहीं कि भाई ये कौन सी फिल्म है। तो इसका मतलब है दोस्तों दमन फिल्म के मेकर्स को दमन का प्रमोशन करने की जरूरत है। ये भी लोगों को पता तो है भाई कि हाँ ओडिया की दमन फिल्म है, बट अभी भी आधे से ज्यादा लोगों को दमन के बारे में पता ही नहीं। उस हिसाब से दमन के मेकर्स को इसका प्रमोशन करने की जरूरत नहीं, लोगों को पता चलेगा तभी तो लोग इसे देखेंगे। आगे बात करते तापसी पन्नू के बारे में, आखिर बॉलीवुड की फ्लॉप एक्टर तापसी पन्नू ने दमन फिल्म के बारे में क्या बोला। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ तापसी पन्नू के बारे में। ये एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिनकी हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम दोबारा था और उसका बजट था 30 करोड़। अब वो 30 करोड़ वाली फिल्म 30 लाख का कलेक्शन करके बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और उसे किसी ने भी नहीं देखा और ये उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई। तब से ही ये एक्ट्रेस दूसरी फिल्मों पर भी काफी ज्यादा जलती है और लोगों पर भी काफी ज्यादा गुस्सा है। इनसे जब दमन फिल्म के बारे में पूछा गया कि आप दमन फिल्म को जानती हो और उसके बारे में क्या बोलना चाहोगी, जिस पर एक्ट्रेस बोली कि हाँ वही ओडिया फिल्म ना जिसका बजट 1 करोड़ भी नहीं है उसको मैं जानती हूँ और लिख के देती हूँ कि हिंदी में वो फिल्म बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप होगी। और तापसी बोले कि मेरा इस फिल्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, मैं इस फिल्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी और ये फ्लॉप होगी। वैसे ये फ्लॉप होगी या फिर बॉलीवुड को फ्लॉप करेगी ये तो इसके हिंदी में आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी दोस्तों दमन को लेकर एक अपडेट यह आया है कि दमन की डबिंग जो है वो संकेत मात्रे के साथ चंदन रॉय कर रहे हैं। अब ये दमन ने किसको आवाज देने वाला है इसके बारे में तो दमन के डायरेक्टर ने कुछ भी नहीं बताया, बट हाँ दमन की डबिंग के लिए एक और वॉइस आर्टिस्ट को लाया गया है। यार बात करें इसके हिंदी रिलीज डेट की तो ये हिंदी में आपको 15 या 16 दिसंबर को देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों कौन कौन इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड कमेंट करके जरूर बताएं।